नमस्कार दोस्तों मैं हूं भरत सिंह और आप देख रहे हैं जे न्यूज तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन शनिवार को अपने पिता का अस्थि कला संगम में प्रभावित करने के लिए इलाहाबाद पहुंची इस दौरान पति अभिषेक बच्चन बेटी आराध्या माँ वृंदा राय और ऐश्वर्या के भाई भी उनके साथ थे बता दें 18 मार्च को ऐश्वर्या का पिता कृष्ण राज राय का निधन हुआ था हम आज आपको बताने जा रहे हैं इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन क्यों होता है इसका क्या महत्व है गंगा जमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम इलाहाबाद में है जो यहाँ के महात्म्य को बल देता है दरअसल इसके पीछे भी राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़ी एक कहानी है कहा जाता है कि भगवान राम ने त्रिवेटी तट पर ही अपने पूर्वज को तर्पण किया था ऐसा माना जाता है कि यह राम के पंडों की वो पीढ़ी आज भी मौजूद है जिसे वे अयोध्या से लेकर आए थे प्रयाग के तीर्थ पुरोहितों की माने तो भगवान विष्णु चक्र भी इलाहाबाद में ही विराजमान माने जाते हैं यही वजह है कि श्रद्धालु अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना लेकर यहाँ आते हैं और यही कारण था कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी फैमिली के साथ यहाँ आई इलाहाबाद को तीर्थराज भी कहते हैं अयोध्या और वाराणसी में राम कथा लिखने वाले तुलसीदास का महाकाव्य भी तीर्थराज प्रयाग से ही शुरू होता है मकर संक्रांति पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यहाँ स्नान का विशेष महत्व है रामचरित में तुलसीदास ने लिखा है माघ मकरगत रबी जब होई तीर्थ पति आ, सब कोई इसका अर्थ है कि जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो बड़े बड़े संन्यासियों से लेकर ग्रस्तों तक सभी तीर्थपति प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं प्रयाग का शब्द का अर्थ है जो सारे यज्ञों से श्रेष्ठ हो संकधन पुराण में कहा गया है यागेभ्य प्रकट अर्थात जो सभी यज्ञों से बढ़कर है वो प्रयाग है इस भूमि पर आने से ही सारे यज्ञों का पुण्य मिलता है ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में हो श्राद्ध पखवाड़े में पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण से ही तृप्त होते हैं शास्त्रों में पितरों का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है पितरों की श्रेणी में मृत मात्र <coughs> पितरों की श्रेणी में मृत माता पिता दादा दादी नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल है व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितरों की श्रेणी में आते हैं पितरों की श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई रोचक खबरें और डेली न्यूज के अपडेट पा सकें